इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन में जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा सरफेस पोटेंशियल। तो दोस्तों सरफेस पोटेंशियल को समझने के लिए देखो हमें पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पे ये एक पार्टिकल है हमारा, ठीक है, जो कि सस्पेंशन में हमारा सस्पेंड होता है। ठीक, अब होता क्या है, जनरली जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, ठीक है, वो आयंस को एड्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि इस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक, अब इस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये सस्पेंशन के अंदर है पार्टिकल, इसके बाहर लिक्विड है हमारा, ठीक है, मैं इस लिक्विड को वाटर, एक वक्त के लिए वाटर मान लेता हूँ कि ये वाटर है हमारा, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाटर के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये चारों तरफ नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब इस नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्ट होने से क्या होगा, या इस नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्ट होने से एक लेयर बन जाएगी इस पार्टिकल के अराउंड, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज वाटर के एक पॉजिटिव चार्ज को अपने दूसरी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज साइड से और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, साथ में कुछ नेगेटिव चार्जेस भी होंगे बीच में, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे है ये क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके एक टाइट लेयर बना लेता है, ठीक है, ये जो पहली लेयर बनी टाइट लेयर, इसी लेयर को हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज की लेयर को, इसी को हम बोलते हैं स्टर्न लेयर, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव आयंस की वजह से जो दूसरी जो लेयर बन रही है हमारी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की, ठीक है, जो वीकली बाउंडेड लेयर होगी जो इस नेगेटिव आयंस के अपोज में बन रही है, ठीक है, ये जो दूसरी लेयर है हमारी इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज लेयर, ठीक। तो स्टर्न लेयर और डिफ्यूज लेयर, ठीक है, दो टाइप की लेयर है जिनके बीच में क्या है, चार्जेस है, ठीक। तो अब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब हमारे हैं तो मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ठीक है, इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं सरफेस पोटेंशियल, ठीक है, द पोटेंशियल विच डेवलप्ड बाय द आयंस सराउंडेड बाय द पार्टिकल्स, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस पोटेंशियल, ठीक। पहली लेयर बनी वो स्टर्न लेयर है जो कि हमारी स्ट्रॉन्ग लेयर है, दूसरी लेयर हमारी डिफ्यूज लेयर जो कि वीक लेयर है, ठीक है। ये स्टर्न लेयर और डिफ्यूज लेयर, इनको ही टोटल हम एक साथ बहुत सी बुक में बोल देते हैं इनको हम डबल लेयर, ठीक है, इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। अब होता क्या है, देखो सस्पेंशन के अंदर अट्रैक्शन के कुछ फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्शन के कौन से फोर्सेस होते हैं, वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जो अगर एक पार्टिकल इधर है और दूसरा पार्टिकल मैंने कहा इधर है, ठीक है, तो इन दोनों पार्टिकल को अट्रैक्ट करने के लिए वैंडरवॉल फोर्सेस काम आते हैं हमारे, ठीक है, और रिपल्शन के लिए कौन से फोर्सेस होते हैं रिस्पॉन्सिबल, वो होते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है, ये जो डबल लेयर बनी है ना ऐसी एक दूसरे पार्टिकल के अराउंड भी इसी तरीके से एक डबल लेयर बनेगी, ठीक है। अब ये एक डबल लेयर क्या करेगी, दूसरी डबल लेयर के काउंटर आयंस को रिपेल करने का काम करेगी, मतलब एक दूसरे को दूर ले जाने का काम करेगी, ठीक है, तो रिपल्शन कौन सी लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर रिपल्सिव एनर्जी हमारी हाई होगी, ठीक है, तो ये प्रिवेंट करेगा कोलिजन को, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या होंगे, वो रिमेन होंगे डीफ्लॉक्यूलेटेड,